हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए राज। आज का जो तो टॉपिक लेके आया हूं वो है टीडीएस के अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं वो बताने के लिए। नाइन्थ जो सर्कुलर आया था हमारा, उसके अंदर एक पॉइंट आपका टीडीएस के रिगार्डिंग भी था, जो कि आपका 20 मई को आया था। उसके अंदर ये था कि टीडीएस रिटर्न्स की जो डेट्स हैं वो बढ़ गई हैं, साथ में सर्टिफिकेट की डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। बट इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सर, हमें डेट्स तो पता लग गई, हम कैसे टीडीएस रिटर्न को फाइल करते हैं, साथ के साथ कैसे हम टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को देंगे, हमें वो तो आना चाहिए। इन डेट्स को ले, अगर आपको काम नहीं आता करना, टीडीएस फाइल करना नहीं आता, टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना नहीं आता, देन आप डेट्स को लेके भी क्या करोगे? तो इससे पहले आप प्रैक्टिकली इनको वर्क करना सीखो। अगर आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखना है, आपको सिंपली जाना है यूट्यूब पे, वहां पे टाइप करना है सीए राज झा, आपको मेरा चैनल दिखेगा करियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आप वीडियोस के अंदर आओगे, आपको वीडियोस के अंदर ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, आपने कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है, हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न। इसका बहुत जल्दी मैं पार्ट टू लेके आ रहा हूँ टीडीएस रिटर्न का, कि कैसे इसको प्रैक्टिकली अपलोड भी करते हैं। आपको टिन सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकम टैक्स की साइट से आप इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। उसकी वीडियोस भी बहुत जल्दी आने आने वाली है। सो बने रहे मेरे चैनल के साथ। चैनल वीडियो सही लगती है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, एंड कमेंट पे अपना प्यार दें मुझे। इसके साथ साथ आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर क्या होगा, आपको मैं लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द स्पॉट भेजूंगा। तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप सिंपली टेलीग्राम पे टाइप करिए टैक्स बाय सीए राज, आपको मेरा वहां पे चैनल दिख जाएगा, आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं मेरे साथ अपडेट्स पाने के लिए। ओके, साथ में सर टीडीएस सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है, वो कैसे करें भाई? ये रहा हाउ टू डाउनलोड टीडीएस सर्टिफिकेट। ये प्रैक्टिकली ट्रेसेस की वेबसाइट से मैंने कैसे उन स्टेप्स को मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपके लिए दिखाया है। तो आप सीखिए, बड़े काम की वीडियोज है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम करना है आपने तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। बट इसके साथ साथ मैं आज की वीडियो जो अपडेट्स के रिगार्डिंग लाया हूं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए सर कि टीडीएस रिटर्न जाएगी कब हमारी। ओके, तो यहाँ पे मैं खाली अपडेट्स देके नहीं जाने वाला, आपको ये भी बताऊंगा साथ के साथ कि टीडीएस रिटर्न की अपडेट्स, टीडीएस रिटर्न कैसे जाती है उसके रिगार्डिंग। और एक चीज, हाँ, ये मेन पॉइंट है जो बता रहा हूँ, वो क्या कि भाई जब भी कोई टीडीएस पे काम करना है तो मेरे पास पूरे स्टेप्स रिकॉर्ड होते हैं। एज ए प्रैक्टिशनर हमें क्या क्या वर्क करना पड़ता है, कितनी इंटरेस्ट, कितनी पेनल्टी, कितनी लेट फीस, ये सारे चीजें मैं एक सिंगल स्टेप्स में रिकॉर्ड करता हूं इनको। तो ये एक्सेल की फाइल ना आपको कहां से मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। ज्वाइन करोगे वहां मैं शेयर करता हूं चीजों को, जो आ चुका होगा उनको पता होगा, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये अपडेट्स, जो भी मैं नोटिफिकेशन सर्कुलर्स निकालता हूँ, वो सारे के सारे आपको वहां से मिल जाएंगे। एक काम की बात और, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है अपनी, वो किसके रिगार्डिंग? टीडीएस जीएसटी की नोटिफिकेशंस कहाँ से देखें। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। सर जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर आएगा, न्यूज आएगा, प्रेस रिलीज आएगी, आपको सीधा यहां से मिल जाएगा। इस वीडियो जाके देखिए, यहां मैंने समझा रखा है कैसे एक प्रोफेशनल्स चेक करते हैं, कैसे अपडेट्स रहते हैं। तो उसी तरीके से आप भी जाके किसी भी नोटिफिकेशंस को, सर्कुलर्स को चेक कर सकते हैं। तो मूव करता हूं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका, भाई टीडीएस रिटर्न के ऊपर आया था। सर टीडीएस रिटर्न जाती कब है? भाई टीडीएस रिटर्न जाती है आपकी क्वार्टरली। कौन से फॉर्म्स होते हैं सर? एक तो होता है हमारा 24Q, एक होता है हमारा 26Q, राइट? तो सर 24Q और 26Q क्या होता है? भाई 24Q होता है आपका टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी, 26Q होता है आपका टीडीएस रिटर्न अदर देन सैलरी। भाई ये तो आपको हो सकता है पता होगा। सर कैसे फाइल करते हैं? क्वार्टरली जाएगी। क्वार्टर वन की कब जाएगी? अप्रैल मई जून की 31 जुलाई। क्वार्टर टू की कब जाएगी? 31 अक्टूबर। थ्री की कब जाएगी? 31 जैन। एंड फोर की जो जाएगी 31 मई। अब रुको, यहाँ पे रुको, मतलब कि सर इसके अंदर ही चेंज है, इसके अंदर जो क्वार्टर फोर है ना, इसके अंदर चेंज आया है। इसकी डेट जो थी, जो कि 31 मई, जो कि अभी 8 दिन 9 दिन के बाद आने वाला है, इसके लिए क्या हो गया, इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए? सर इसकी डेट को बढ़ा के कर दिया गया 30 जून। तो पॉइंट क्लियर, यानी अब क्वार्टर फोर की रिटर्न जो जैन फेब मार्च की जाने वाली थी 31 मई को, उसको ऑलरेडी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 30 जून तक। तो आप आराम से अपनी 30 जून तक इस रिटर्न को भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले रिटर्न्स को सबमिट करके अपना फ्री हो जाएं। इसके साथ साथ सर टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद क्या करना पड़ता है, तो उसकी भी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर लेट किया तो लेट फीस लगती है, वो अलग सिनेरियो है। सर हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपने क्लाइंट को। कौन सा सर्टिफिकेट? नॉर्मली जो हम सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसका नाम है 16-16A, ठीक है? फॉर्म 16 फॉर द टीडीएस सर्टिफिकेट ऑन सैलरी, फॉर्म 16A फॉर अदर देन सैलरी। तो भाई जो सैलरी का होता है वो हम एनुअली इशू करते हैं,
ठीक है ना, फॉर्म 16, तो इसकी डेट क्या होती है, 15 जून होती है, 15 जून। तो अगेन क्या कर दिया, इसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है, एज रिटर्न फाइल करने के विद इन 15 डेज हमें सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है। तो उस केस में क्या होता है, ये सैलरी वाला जाता है हमारा एनुअली, नॉन सैलरी वाला क्वार्टरली जाता है, बट जाएगा कब, विद इन 15 डेज। तो कंसर्न ये है कि सर इन डेट्स को क्या एक्सटेंड कर दिया, इसकी डेट बढ़ा दी तो क्या इनकी डेट्स को भी बढ़ा दिया गया है? हाँ जी सर, इनकी डेट्स को भी इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। देखो यहां पे ध्यान से एक बार पॉइंट नंबर 3 पे फोकस करो, इन्होंने बोला है जो आपकी 2021 की रिटर्न जानी थी क्वार्टरली, लास्ट क्वार्टर की, लास्ट क्वार्टर का मतलब क्या है, Q4 जैन फेब मार्च, उसकी जो डेट थी आपके पास 31 में, उसको इन्होंने बढ़ा के क्या कर दिया, 30 जून कर दिया है, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे मैं आपका फोकस डालना चाहूंगा सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट जो फॉर्म 16 है हमारा, उसकी नॉर्मली डेट जो होती है वो होती है 15 जून, इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 15 जुलाई। तो अब आप टीडीएस रिटर्न Q4 की भर सकते हो 30 जून तक, सर्टिफिकेट निकाल सकते हो 15 जुलाई तक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रेस करिए बेल आइकन को, ऐसे अपडेट्स मिलने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए मेरे साथ, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालिए कमेंट बॉक्स के अंदर, ऐसे मुझे मोटिवेट रखिए। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।